आगाज़े इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से ईरान की जानब से बगदाद में ग्रीन जोन में अमरीकी एम्बेसी पर 6 रॉकेट हमले किए हैं, जिसकी वीडियो BBC ने जारी कर दी है। अमेरिका की जानब से बयान आ चुका है कि अब हम ईरान को माफ़ नहीं करेंगे, जबकि ईरान का ये कहना है कि हम हमले करते रहेंगे तब तक, यूरोप और अमेरिका पर हमले करते रहेंगे जब तक ये लोग खित्ते से भाग नहीं जाते, जब तक जनरल कासिम सुलेमानी का बदला पूरा नहीं होता। और दोस्तों, BBC की एक नुमाइंदा ने ट्वीट भी किया है, उनका ये कहना है कि अगरचे इस सारे हमले में कोई भी हलाकत नहीं हुई, लेकिन धमाके की आवाज़ सुनी गई है और ईरान की जानब से 6 रॉकेट हमले किए गए हैं। एक दफ़ा फिर से अमरीकी एम्बेसी पर, जो कि बगदाद के ग्रीन जोन में वाक़या है, उस पे 6 रॉकेट हमले किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ईरानी प्रॉक्सी मुतहरक है, अभी तक ईरान डटा हुआ है, अभी तक ईरान का बदला नहीं पूरा हुआ और ईरान किसी भी हाल में अमेरिका को माफ़ करने वाला नहीं है। ईरान किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ेगा, ईरान हर हाल में जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेगा। ईरान को जैसे ही जहां भी मौका मिलेगा, वो अमेरिकियों को सबक सिखाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।